बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की दुआएं हैं, और सबसे पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि आज मैं, बल्कि कई दिनों के बाद ये कह रहा हूँ कि आज की वीडियो देखकर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अक्सर अब कहता होता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिसके पास वीडियो जाती है वो सब्सक्राइब जो है नहीं करते। लोग जो यूट्यूबर है ना, वो तो फिर भी कर लेते हैं जिनका अपना यूट्यूब चैनल होता है। बाकी लोग जो है वो पता नहीं डरते हैं सब्सक्राइब करने से, या कुछ मिसपरसेप्शन भी जो है लोगों की बनी हुई है कि सब्सक्राइब करने से शायद हमारा कोई ख़र्चा होता होगा या हमारा कोई नुकसान होता होगा, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद जनाब, आज बहुत गुस्से में हूँ मैं। गुस्सा किस लिए आया हुआ है? गुस्सा जो मुझे आया हुआ है वो है वेरी नाइस और माशाल्लाह वालों पे। तो भाई यार, आप क्यों नहीं मेरी जान छोड़ देते? मैं आज एक बार फिर आपको कह रहा हूँ, आप ये जो माशाल्लाह लिख के चले जाते हो ना, सिर्फ अपना पिन करवाने के लिए, कमेंट को पिन कराने के लिए सिर्फ माशाल्लाह लिखते हो, और 10 सेकंड में भी माशाल्लाह मतलब लिखा जा सकता है, या 10 सेकंड से कम भी लग सकते हैं माशाल्लाह, और वेरी नाइस ये वाला। या आप लोग मेहरबानी करो, छोड़ दो मेरी जान, मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दो। मैं यकीन मानो आपसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन बस मेहरबानी करो, आप मेरे चैनल का नुकसान ना करो। क्योंकि ये जो आप हो ना, वेरी नाइस नाइस ब्यूटीफुल वेरी नाइस और माशाल्लाह वाले, आप तो मेरा भला नहीं कर रहे, बल्कि किसी का भी भला नहीं कर रहे, और आपने चलना ही नहीं आगे। आप सीरियस ही नहीं हो, आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो। क्योंकि आप अगर आगे बढ़ना चाहते ना, आप आगे बढ़ने के लिए दो तरीके हैं। एक तो है कि आपके ऊपर किसी बड़े यूट्यूबर का हाथ होना चाहिए, ठीक है? मतलब कोई बड़ा यूट्यूबर, कोई व्लॉगर जो आपको मतलब सपोर्ट करे, आपका लिंक लगाए अपने ऊपर, और सॉरी अपने चैनल के ऊपर, और आपके साथ व्लॉग्स बनाए, तो फिर तो आप ऊपर जा सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि एक दूसरों को सपोर्ट करें और उनसे सपोर्ट लें। आप क्या चाहते हो ये मैं आज ही मैं बता रहा हूँ, और एक मैं चैनल का नाम ले दूँ, चले नहीं लेता, बहरहाल वो समझ जाएगा, लेकिन वो समझेगा कैसे, वो तो मेरी वीडियो पे आता ही नहीं है, ठीक है जी? तो वो जनाब जो बंदा है ना, वो क्या करता है, उसने अभी कुछ पिछले दिनों मेरे चैनल पर आया है, न्यू ही आया है तकरीबन, वो सिस्टर ने प्रमोट किया था मेरे चैनल को, तो उस वक्त आया था। ये लोग बड़े ही ट्रिकी हैं, ये क्या करते हैं, अपना चैनल जो है वो सब्सक्राइब करवा लेते हैं, ठीक है, और एक दो दिन वीडियो पे आते हैं, और उसके बाद फिर इन्होंने क्या करना होता है, ये नोटिफिकेशन ऑफ़ कर देते हैं, और फिर ये अपने पसंद के लोगों की वीडियोज़ देखते हैं जो इनके पसंद के होते हैं। और आपको पता है लोगों को क्या पसंद है? लोगों को लड़कियाँ पसंद हैं। लोग फीमेल्स के चैनल पे ऐसे जाते हैं, ठीक है ना? अब चाहे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, कोई 5 बच्चों की माँ भी है ना, और वो भाग गई है घर से, और उसकी वीडियोस देखें, आज तक मैंने किसी के ख़िलाफ़ में वीडियो बनाई, ठीक है? और ये आज मैं सारी वीडियो एक ही क्लिप के अंदर बना रहा हूँ, मैं इसमें कोई किसी किस्म की एडिटिंग नहीं करूँगा, बस जो बातें मैं कर रहा हूँ बस ठीक कर रहा हूँ, मैं इसमें किसी किस्म की कटिंग फटिंग बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है ना? जो घर से भागी हुई औरत है, उस पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं उसकी वीडियोस पे, मैं एक दिन देखता नहीं हूँ उसका चैनल, आप ये समझेंगे कि ये भी उसका चैनल देखता है। मैं ऐसे ही मतलब किसी और रिएक्शन वीडियो के, मतलब मैंने देखी किसी की रिएक्शन वीडियो, उन पर रिएक्शन बनाई, तो मैंने कहा अच्छा मैं देखूँ ये ऐसा है कि नहीं, तो उनकी वीडियो पर जनाब 2-3 घंटों के अंदर कोई 3K व्यू आए हुए। अच्छा, आप ऐसे लोगों को देखना चाहते हो? मतलब आप नेगेटिविटी देखना चाहते हो, आप पॉजिटिविटी नहीं देखना चाहते, आपको मतलब अच्छी बातें बताई जाए, आपके साथ सच बोला जाए, आपको अच्छा माहौल दिखाया जाए, वो आपको पसंद नहीं है। माहौल जैसा भी हो, आगे औरत बैठी हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, पूरी वीडियो भी देखनी है और इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। तो मैं थका नहीं हूँ, मैं हारा नहीं हूँ। वो क्या कहते हैं, वो मरियम नवाज़ की तरह वो कहती है, वो मेरा वालिद ना झुका है ना बिका है, बस चुप करके लंदन में टिका है। मैं ना थका हूँ, ना हारा हूँ, और ना ही मैं जो है चैनल छोड़ने का इरादा है मेरा, ऐसा कोई नहीं है, बल्कि अब तो नई अपडेट भी
आ रही है इंशाल्लाह जनवरी 2023 में आ रही है, उसमें रिलैक्सेशन है पॉलिसी में, यूट्यूब की पॉलिसी में। आप 2-3 दिन से ये न्यूज़ वायरल है, हर चैनल वाला यही बात कर रहा है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह 500 सब्सक्राइबर से जो है वो हो गए हम, क्रॉस कर गए हैं, और इसके बाद जो है वॉच टाइम भी इंशाल्लाह जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी उतना हमारा हो ही जाएगा इंशाल्लाह। तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। बस कहने का मकसद ये है कि यार आप जो हो ना, ये जो क्या कहते हैं अपनों के भेस में बिगाने, आप यार मेहरबानी करो आज ही, मैं आपको कहता हूँ। बेशक 525 है ना इस वक्त मेरे सब्सक्राइबर, बेशक 125 ही आप बचे ना मेरे सब्सक्राइबर, लेकिन वो लोग हों जो मुखलिस हों, जो वीडियो देखते हों, मुझे फैंस चाहिए, मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, ठीक है ना। मुझे नंबर काउंट मैंने पूरा नहीं करना, मुझे कोई जल्दी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तनख्वाहदार आदमी हूँ, मेरी तनख्वाह आ जाती है, मुझे किसी किस्म की भी कोई जल्दी नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी हाथ पाँव मार के चैनल को मोनेटाइज करवा लूँ। आप लोग मेहरबानी करें जो वेरी नाइस वाले हैं, और इस वीडियो पर भी अगर किसी ने वेरी नाइस लिखा तो उसको तो डायरेक्ट ब्लॉक करना है और रिपोर्ट भी करना है मैंने, ठीक है ना। तो आज की वीडियो 6 मिनट 12-13 सेकंड की हो चुकी है। चलें जी इस वीडियो को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलेंगे फिर कल इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो के साथ, अपने अच्छे अच्छे भाइयों बहनों के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। और अभी तक जो लोग पहुंच चुके हैं इस सीन तक, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज भी कई लोग होंगे जो 1 मिनट या आधा मिनट देकर चले गए होंगे। ऐसे लोग अपना भी नुकसान करते हैं, दूसरे चैनल का भी नुकसान करते हैं, हमारा जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है उसको ये लोग ख़राब करते हैं, तो इसकी वजह से हमारी वीडियो जो है वो वायरल नहीं होती। चलें जी मिलेंगे फिर कल इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें ढेर सारा, और मेरे लिए ढेर सारी दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।